वेलकम टू दक्षिण प्रथम मिनिया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में जिन्हें हिट होना चाहिए था पर वह फ्लॉप हो गई, जो डिजर्व करती थी हिट होना पर वह फ्लॉप हो गई, जिनकी कास्टिंग बहुत अच्छी थी और वह पिक्चर को लिखा भी बहुत अच्छे तरीके से गया था, जिस पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो चलिए देखते हैं नंबर 10 पर कौन है। नंबर 10 पर है झुंड। झुंड मूवी को बनाया बहुत ही छोटे बजट से गया था, यानी कि 22 करोड़ से, पर यह पिक्चर नाकामयाब रही वो कमाने में भी। इस पिक्चर ने कमाए सिर्फ 14 करोड़। यह पिक्चर भी हो गई एक फ्लॉप पिक्चर, क्योंकि इस पिक्चर में हमें अमिताभ बच्चन दिखाई दिए थे, तो यह पिक्चर हमें बहुत अच्छी लग रही थी। इस पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो चलिए देखते हैं आगे। जाना तो अगली है सत्यमेव जयते टू। आज तक की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ्लॉप मूवी है, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फ्लॉप मूवी में इनका भी नाम आता है, जो बहुत ज़्यादा बजट से बनी थी। यह दोस्तों यह बनी थी 93 करोड़ के विशाल बजट से, पर इसने कमाए सिर्फ 17 करोड़। तो चलिए देखते हैं अगली मूवी है नायक। नायक मूवी में हमें दिखाई दिए थे अनिल कपूर, अमरीश पुरी, और दिखाई दिए थे हमें इस पिक्चर में जॉनी लीवर, और लीड वुमन रोल में हमें दिखाई दिए थे इस पिक्चर में रानी मुखर्जी, जो बहुत अच्छी एक्टर है। इस पिक्चर का बजट था सिर्फ 22 करोड़। इस पिक्चर ने भी कमाए सिर्फ 16 करोड़ और यह पिक्चर भी एक फ्लॉप पिक्चर हो गई। यह पिक्चर की स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई थी और हमें भी। तो चलिए देखते हैं अगली। जी हाँ दोस्तों अगली मूवी है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। इस पिक्चर में हमें दिखाई दिया था सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डेथ हो गई है 14 जून को। यह पिक्चर एक बहुत अच्छी पिक्चर थी, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी लिखी गई थी। इस पिक्चर का बजट था 35 करोड़ और इस पिक्चर ने कमाए 33 करोड़, इसलिए यह पिक्चर भी हो गई फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों अगली मूवी है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। यह पिक्चर एक बहुत अच्छी मूवी थी, पर यह मूवी भी हो गई फ्लॉप। इस मूवी को तो डिजर्व करती ही थी, क्योंकि यह पिक्चर भी थी एक रियल लाइफ स्टोरी। इस पिक्चर का बजट था सिर्फ छोटा सा बजट था इस पिक्चर का, जो था ओनली 20 करोड़, पर वो भी नहीं कमा पाई और यह इस पिक्चर ने कमाए सिर्फ 12 करोड़ और यह पिक्चर हो गई एक बहुत बड़ी फ्लॉप। तो चलिए देखते हैं अगली मूवी। जी हाँ दोस्तों अगली मूवी है गुजारिश। गुजारिश मूवी ऋतिक रोशन की थी, जो हो गई फ्लॉप। इस पिक्चर में हमें दिखाई दिए थे ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या रॉय बच्चन और दिखाई दिए थे। इस पिक्चर का बजट था बड़ा बजट था इस पिक्चर का, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 74 करोड़ की यह पिक्चर बनी हुई थी, पर इस पिक्चर ने कमाया सिर्फ 40 करोड़ और किया सभी को निराश। यह पिक्चर डिजर्व करती थी हिट होने की, क्योंकि इस पिक्चर में हमें ऐश्वर्या रॉय, ऋतिक रोशन और भी कई अच्छे अच्छे एक्टर दिखाई दिए थे, पर यह हो गई फ्लॉप। तो चलिए देखते हैं नंबर 4 पर कौन है। नंबर 4 पर है 83 एक बहुत विशाल काय बजट में बनी हुई पिक्चर थी, जिसका बजट था 280 करोड़, पर इस पिक्चर ने कमाए सिर्फ 193 करोड़ और यह पिक्चर भी हो गई एक फ्लॉप पिक्चर। जिस पिक्चर में हमें दिखाई दिए थे रणवीर सिंह, ताहिर राज, भवन ईरानी, दीपिका पादुकोण और कई एक्टर। तो चलिए देखते हैं नंबर 3 पर कौन है। नंबर 3 पर है स्वदेश। स्वदेश मूवी में हमें दिखाई दिए थे लीड रोल में शाहरुख खान। यह पिक्चर का भी बजट बहुत कम था, जो था यानी कि दोस्तों स्वदेश पिक्चर का बजट था सिर्फ 22 करोड़ और इस पिक्चर ने कमाए सिर्फ 11 करोड़, इसलिए यह पिक्चर फ्लॉप हो गई। यह पिक्चर को आमिर खान ने ठुकराया था, पर यह पिक्चर में शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। किंग खान एक बहुत अच्छा एक्टर है। तो चलिए देखते हैं अगली। जी हाँ दोस्तों अगली मूवी है रनवे 34 मूवी में हमें लीड रोल में दिखाई दिए थे अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, भुवन ईरानी और कई लोग। जी हाँ दोस्तों इस पिक्चर का बजट था 102 करोड़ पर यह पिक्चर ने कमाया सिर्फ 47 करोड़, इसलिए यह पिक्चर भी हो गई एक डिजास्टर फ्लॉप, क्योंकि इस पिक्चर ने अपना जितना बजट था उसका आधा भी नहीं कमाया, इसलिए यह भी हो गई फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों टॉप ऑफ द टेबल है फ्लॉपेस्ट फिल्म जग्गा जासूस। जग्गा जासूस एक बहुत अच्छी मूवी थी, जो 2017 में आई थी। इस पिक्चर में हमें दिखाई दिए थे लीड रोल में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर बहुत अच्छी कास्ट थी, पर इस पिक्चर का बजट था 138 करोड़ और इस पिक्चर ने कमाए थे सिर्फ
85 करोड़, इसलिए यह भी होगी डिजास्टर फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दक्षिण प्रथम मेनिया की तरफ से बस इतना ही। बहुत अच्छी अच्छी मूवी बताई है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको कौन सी मूवी गलत लगी। तो आज के दिन हमने जो भी कास्ट बताई है और जितने भी लोग बताए, उनमें से कई लोगों की कई पिक्चर आने वाली है। तो अलविदा।